हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस वीडियो और इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं हूं अजय। आज हम बात करेंगे पेज नंबर 101, पेज 101 का क्वेश्चन नंबर 1। आज हम दो क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। पहले 1 की बात करते हैं, तो इसमें क्या पूछा गया है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। वैसे आपने ये क्वेश्चन पढ़ रखा होगा 8th या 9th क्लास में, लेकिन फिर भी दोबारा इसको पूछा जा सकता है क्लास 10 में भी। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, तो इसको याद रखने का तरीका क्या है आपके पास। ऑटो ऑटो मीन्स खुद, तो खुद से आप ये याद रखेंगे कि ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिजम्स क्या कर रहे हैं, खुद से अपना खाना बना रहे हैं। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर देखिए लिखा हुआ है, मैंने आप चाहें तो इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आप कहेंगे कि इनके आंसर्स तो हमें वेबसाइट्स पे अवेलेबल हैं, लेकिन आप वेबसाइट्स के आंसर कंपेयर करके देखिए, सबके आंसर आपको अलग अलग मिलेंगे और कई ऐसे आंसर्स हैं जो क्वेश्चन के सही आंसर नहीं बैठते। लेकिन मैंने क्या किया है, बहुत ही सोच समझ के खुद से आंसर्स को बनाया है, ताकि आपके पास सही आंसर्स पहुंचे और ऐसे आंसर्स पहुंचे जिनमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो और आप उनको एक बार पढ़ते ही समझ भी जाएं और उसको माइंड में अच्छे से बिठा भी लें। तो देखिए, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, तो इसका आंसर देखिए ये रहा, इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इस न्यूट्रिशन के मोड में क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स सिंथेसाइज करते हैं देयर ओन फूड, खुद का ही खाना बनाते हैं। और कहां से, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन सबसे। चलिए इसी का दूसरा ऑपोजिट पॉइंट पढ़ते हैं, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में। तो याद रखने का तरीका आपके पास ये है कि ऑटो की जब भी बात की जाएगी, ऑटो मतलब खुद, तो ऐसा न्यूट्रिशन का मोड जिसमें ऑर्गेनिजम्स जो हैं सिंथेसाइज बनाते हैं खुद का खाना, कहाँ से, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर से, इसको हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहेंगे। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपके पास क्या है, पौधे, प्लांट्स। प्लांट्स क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। चलिए अब बात करते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। तो इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इस न्यूट्रिशन के मोड में क्या होता है कि ऑर्गेनिजम्स डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। सीधी सी बात है कि ऑटो का उल्टा है ये हेट्रो, तो इसमें क्या होगा, इसमें ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं करेंगे। ये क्या करते हैं, ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड करते हैं न्यूट्रिशन के लिए, और ये अपना खाना जो है कहाँ से प्राप्त करते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल जो कि ऑटोट्रोप्स ने बनाया है, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन से जो बना है उससे अपना खाना प्राप्त करेंगे। तो ये हो गए हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस इन प्लांट्स एंड सम एल्गी। तो ये जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन है ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, प्लांट्स में और कुछ एल्गी में, ज्यादातर प्लांट्स, सारे ही प्लांट्स लगभग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। और ये जो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ये एनिमल्स, बैक्टीरिया या फंजाई में देखने को मिलेगा। तो ये था हमारा आंसर नंबर 1, पेज 101 का। कोई भी डाउट कहीं पर भी किसी भी वर्ड में हो तो कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर पूछिए, हम आपका रिप्लाई बहुत जल्दी करने की कोशिश करेंगे। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन 2 की। क्वेश्चन 2 में पूछा गया है, वेयर डू प्लांट्स गेट, तो क्वेश्चन ये है, वेयर डू प्लांट्स गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होती है, देखिए फोटो मीन्स होता है लाइट, और सिंथेसिस मीन्स बनाना। तो फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है कि लाइट की प्रेजेंस में बनाना। तो पौधे क्या करते हैं, लाइट की प्रेजेंस में अपना खाना खुद बनाते हैं। तो वेयर डू प्लांट्स गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल्स, जो भी रॉ मटेरियल्स लगते हैं फोटोसिंथेसिस में, रिक्वायरमेंट होती है उनकी, वो प्लांट्स कहां से प्राप्त करते हैं। तो इसका आंसर आपके पास सिंपल सा है, यह आपको पता ही होगा कि पौधों को खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड उनको कहां से मिलेगी, एटमॉस्फेयर से।
और जो प्लांट्स होते हैं उनके लीव्स में या कई प्लांट्स की स्टेम्स में स्टोमेटा पाया जाता है। उन स्टोमेटा से जो है ये वहां से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। वाटर इनको कहां से मिलेगा? सोयल से। और जो जड़ें हैं वो सोयल से वाटर को सोख लेती हैं। सनलाइट चाहिए होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, बिना सनलाइट के खाना प्रिपेयर नहीं कर सकते ये, तो वो उनको सन से मिलेगी। और सनलाइट का यूज कौन करता है? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल कहाँ से मिलेगा? क्लोरोप्लास्ट से। क्योंकि अगर सनलाइट और क्लोरोफिल नहीं होंगे तो भी खाना नहीं बन सकता कि पौधे के पास सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रख दिया जाए तो वो अपना खाना प्रिपेयर कर ले। इसके अलावा देखिए नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, इनसे भी क्या करते हैं प्लांट्स? प्रोटीन्स वगैरह प्रिपेयर करते हैं। तो ये इनको कहाँ से मिलेगा? सोयल से मिलेगा। और ये अपनी रूट्स से जो है इनको एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो ये थे आज के दो क्वेश्चन पेज नंबर 101 के। इस पेज पर तीन क्वेश्चंस और बाकी हैं, उनको भी बहुत ही जल्द डिस्कस कर लिया जाएगा। अगर आपको दोस्तों कोई भी डाउट मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, हम उसका रिप्लाई बहुत जल्द करेंगे। इसके अलावा आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत सारी एजुकेशनल वीडियोस मिलेंगी और मिलती रहेंगी। और साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों एक छोटा सा लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिए। और वीडियो अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कीजिए, और हो सके तो समय निकाल कर हमें डिसलाइक करने का रीज़न भी जरूर बताइए। तब तक दोस्तों अलविदा और जय हिंद।